देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में ब्रह्म कुमारी से राजयोग सिखाने की जताई इच्छा। लखनऊ के सीएम ऑफिस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहराइच सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना, बीके जया, बीके भावना समेत अनेक बीके सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस मौके पर योगी जी ने बीके बहनों से कहा कि आप स्कूलों में अपनी सेवाएं दें और स्कूलों के प्राचार्य व शिक्षकों को भी राज्यों का प्रशिक्षण दें, जिससे बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाया जा सके। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे समेत अन्य राजनीतिज्ञों से बीके सदस्यों की मुलाकात। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे से घाटकोपर सबजोन प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोगी बीके निकुंज ने मुलाकात की और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ ब्रह्मा कुमारी की शुरुआत कैसे की गई इसकी पूरी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने पूरे परिवार के साथ माउंट आबू आने की इच्छा जाहिर की। इसके साथ ही घाटकोपर योग भवन की राजयोग शिक्षिका बीके तमिल सेल्वी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को कृषि क्षेत्र के अलावा सौर संयंत्र के साथ साथ जल संरक्षण की सेवाओं से भी अवगत कराया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे बड़े ग्रीटिंग कार्ड बनाने पर दी ब्रह्मा कुमारी को बधाई। पुणे के बानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर त्रिवेणी, बीके डॉक्टर दीपक हरके, बीके डॉक्टर सुवर्णा और सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, लेखिका और लाइफ कोच डॉक्टर सोहिनी शास्त्री ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देने के लिए सबसे बड़ा ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में बीके डॉक्टर त्रिवेणी, बीके डॉक्टर दीपक हरके को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का फाइनल सर्टिफिकेट प्रदान किया और अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीके वर्षा और बीके केत की भी उपस्थित रही। एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा प्रांतीय अधिवेशन में चर्चा, पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर उठती उंगली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया गया। नारमदीय ब्राह्मण समाज के भवन में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया प्रभाग में भोपाल जोन की कोऑर्डिनेटर बीके डॉक्टर रीना, सिलाई कढ़ाई बोर्ड पूर्व राज्य मंत्री सुनील माहेश्वरी और शुभाकर पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान भोपाल जोन के पूर्व निदेशक रहे बीके महेंद्र का शुभाकर पांडे ने जिक्र करते हुए कहा कि महेंद्र भाई कहते थे कि योग के माध्यम से लोगों को जीवन जीने की कला सिखाना चाहता हूं और समाज को सकारात्मक विचारों से भरपूर करना चाहता हूं। वही बीके डॉक्टर रीना ने भी विषय पर सुंदर विचार रखे। यह आयोजन यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राधा वल्लभ शारदा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कलम जो कहते हैं वो ताकत है, लेकिन आपकी कलम कमाल कर जाए ऐसी पत्रकारिता आपको करनी है, और आपके कर्मों में कमाल होगा, आपकी वाणी में कमाल होगा, आपके व्यवहार में कमाल होगा, तो आपकी कलम भी बहुत अच्छे से चलेगी। इसीलिए आप अपनी पत्रकारिता को सबसे पहले कोशिश करिए सशक्त बनाने की। जम्मू कश्मीर के इंद्रेश्वर नगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 165 बटालियन में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके राजीव ने सभी को जीवन जीने की कला से अवगत कराया और उसका व्यवहारिक स्तर पर महत्व बताते हुए राज्यों का अभ्यास भी कराया। इसके साथ ही सीओ राजवंत सिंह, बीके मीना, बीके राजीव समेत विशिष्ट अधिकारी और 100 BSF जवानों ने कैंप में पौधारोपण किया। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सदस्यों के लिए मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर बीके जेएल मेहता ने कहा कि जीवन में सदा स्वीकार भाव, क्षमा भाव और साक्षी भाव रखकर ही शांतिपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। अंत में बीके विधि ने ब्रह्मा कुमारीज राजकोट के वर्तमान स्टॉप सुसाइड प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। नागपुर के महिंद्रा एंड महिंद्रा में ट्रांसफॉर्म वर्क प्रेशर इनटू वर्क विद प्लेजर विषय पर सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बीके सीता और बीके संगम ने खुशी और उत्साह पूर्वक हर कर्म करने की टेक्निक्स बताई। मौके पर प्लांट हेड और वाइस प्रेसिडेंट श्रीकांत दुबे, प्लांट हेड ऑफिसर डॉक्टर ओम प्रकाश कारे मोरे समेत तकरीबन 90 ऑफिसर्स मौजूद रहे। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।